हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेटर्स। तो डेली पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 18 अक्टूबर 2017 का देखेंगे, ब्रॉट टू यू बाय मी केतन गर्ग। ठीक है, पीडीएफ लिंक आपको नोट्स का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो नोट्स बनाने की चिंता मत करना। व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, तो आप ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। इन ग्रुप्स में आपको प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और अभी तक जितने मैंने प्रीलिम्स क्विज डाले हैं उसका लिंक आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे अपनी स्क्रीन के मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन जज करने में कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या क्या आपको फर्दर जो है स्टेप्स लेने हैं, और आप कैसे आपको अपनी 2018 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्लान करना है। तो क्विज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के एक महीने पर डिपेंड मत रहना कि हम तो 3 जून को आपका एग्ज़ाम है, हम तो 3 जून से पहले, मतलब हम एक महीना पहले शुरू कर लेंगे क्वेश्चंस लिखना और हमारा हो जाएगा, तो वैसे मत डिपेंडेंट रहना। और प्रीलिम्स क्वेश्चंस आप कहीं से भी, चाहे वो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं से भी क्वेश्चंस कीजिए, खुद से क्वेश्चंस बनाइए प्रीलिम्स के। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से आप देखिए कि आप प्रीलिम्स के खुद से क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टॉपिक से, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रीलिम्स को क्रैक करने में। ठीक है, तो आज का आप देख लेते हैं। सबसे पहले GS2, तो फर्स्ट एवर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये इसको इनॉग्रेट किया था भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के अंडर इसका जो है सारा काम रहेगा। ठीक है, सेटअप अलॉन्ग द लाइंस ऑफ एम्स, ठीक है, ये एम्स कैपिटल में होना चाहिए था, AIIMS, ठीक है, जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसके बेसिस पर इसको बनाया गया है, जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। सेटअप एज एन एपिक्स यूनिट अंडर आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह रहेगी। विल ब्रिंग सिनर्जी बिटवीन ट्रेडिशनल विजडम ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो मेन एम जो इस इंस्टीट्यूट का वो ये रहेगा कि जो ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदिक विजडम है हमारी कंट्री के पास, जो हमारी कल्चरल विजडम भी हम कह सकते हैं जिसको, उसको लिंक करना है मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से, कि हम कैसे मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आयुर्वेदा को फर्दर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। PM ऑल्सो रिलीज द आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, कि क्या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए अगर किसी को हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने अपने लॉन्च के टाइम पे क्या कहा, प्रधानमंत्री का कहना है कि इट इज़ टाइम फॉर हेल्थ रेवोल्यूशन। ठीक है, हेल्थ रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है अंडर द एजेस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो सीधा हो, जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके अंडर हमें एक हेल्थ रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है आयुर्वेदा का जो हमने बनाया है वो एक स्टेप है टुवर्ड्स अचीविंग दिस हेल्थ रेवोल्यूशन टारगेट। और ये जो हमने जो इंस्टीट्यूट लॉन्च किया गया है, ये आयुर्वेदा डे पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कल जो था आपका 17th of September, वो आयुर्वेदा डे के उससे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस डे पर ये जो है आपका हॉस्पिटल जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो दुनिया है वो बैक टू नेचर एंड वेलनेस जा रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं, हम एलोपैथी में देख रहे हैं कि एंटी ड्रग रेजिस्टेंट जो है माइक्रोब्स बन गए हैं अब। ठीक है, तो उनको ड्रग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, और कंटिन्यूसली है जो बीमारियाँ हैं, जो वायरसेस हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं, तो उस टाइम पर जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर की तरफ और जा रहा है। ठीक है, अपनी वेलनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो आस्क एक्सपर्ट्स फ्रॉम फील्ड टू फाइंड मेडिसिन विच कुड लाइक एलोपैथी गिव इमीडिएट रिलीफ टू पीपल बट विदाउट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अब एलोपैथी हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे हमें इमीडिएट रिलीफ आ रहा है। अब सर में दर्द हो रहा है तो हमने डिस्प्रिन खा लिया जल्दी से, ठीक है, या कॉम्बी फ्लेम ले लिया, या ऐसी हम दवाइयाँ ले लेते हैं जिससे क्या होता है इमीडिएट रिलीफ हो जाता है। अगर आप टेलीविज़न देखते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, क्रोसिन वगैरह की एडवर्टीजमेंट्स आती है कि 6 सेकेंड में असर शुरू, तो जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो असर नहीं कर पाती। तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि हमें आयुर्वेदा में ऐसी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि वो भी थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करने में हेल्प करें, कि अगर किसी इंसान का सर दर्द हो रहा है तो वो कोई आयुर्वेदिक टेबलेट ले सके जिससे उसको एलोपैथी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी ना हो और उसकी जो उसको वो पेन रिलीफ है वो भी मिले। ठीक है, तो वैसा प्रधानमंत्री ने बोला है। ऑल्सो बेटेड फॉर बेटर एंड मॉडर्न पैकेजिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब पैकेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पैकेजिंग एक तो आपकी मेडिसिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि आपकी मेडिसिन जो है वो एक्सपोज नहीं हो रही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। दूसरी चीज़, जो पैकेजिंग होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट भी करती है। अगर आपके हम देखें आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो आपको खुले थैलियों में मिल जाती हैं, ठीक है, खुले पैकेट्स में मिल जाती हैं, तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती। आपको लगता है कि यार ये क्या देसी सी दवाई हैं, इनसे क्या हम ठीक होंगे। तो पैकेजिंग
बहुत मैटर करती है। वहीं अगर आपको वो जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपरली अच्छे से पैकेज्ड होकर मिलती हैं, वो आपको अट्रैक्टिव उनकी पैकेजिंग लगती है, तो आप वो लोगे। तो पैकेजिंग के लिए प्रधानमंत्री ने जोर डाला कि हमें पैकेजिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अर्ज प्राइवेट प्लेयर्स टू यूज़ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स टू हेल्प स्ट्रेंथन आयुर्वेदा, कि प्राइवेट कंपनीज को कह दिया कि आप भी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो आपको पैसा लगाना होता है वो आप आयुर्वेदिक सेक्टर की तरफ लगाइए, आयुर्वेदिक सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। सजेस्टेड अ रीलुक टू आयुर्वेदिक सिलेबस एंड अंडरलाइन द रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड ट्रीटमेंट इन द मेडिसिन सिस्टम सो इट वॉज नॉट ओवर पावर्ड बाई एलोपैथी। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम हमने देखा कि गाइडलाइंस रिलीज की प्रधानमंत्री ने अभी पीछे, कि उन्होंने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की एक गाइडलाइंस इशू कर दी आयुर्वेदा के लिए, और उन्होंने कहा कि जो आयुर्वेदिक करिकुलम है, जो सिलेबस है जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस जो है इवॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि जो एलोपैथी है वो हमें इस चीज़ में कम्पीट ना कर पाए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद ये पीआईबी में न्यूज़ थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्चेस कैंपेन फॉर वुमेन आई एम दैट वुमेन। तो बेसिकली इस कैंपेन का इस कैंपेन को प्रमोट करने का रीज़न है वो ये है कि मिनिस्ट्री का ये कहना है कि औरतें जो होती हैं वो सबसे बड़ी सपोर्टर होती हैं अपनी फेलो वुमेन की। ठीक है, तो अगर एक वुमेन दूसरी वुमेन को सपोर्ट कर रही है तो वो सबसे ज़्यादा उसको एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि जो वुमेन सपोर्टर्स होती हैं वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकती हैं, एक औरत दूसरी औरत को अच्छे से समझ सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू एंड जेंडर बायस इन वुमेन अगेंस्ट वुमेन। और हमारे देश में क्या होता है, वुमेन अगेंस्ट वुमेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सोशल हमारी सोसाइटी ऐसी है। अगर आपने मूवी देखी हो टॉयलेट, अगर एक अक्षय कुमार की भी मूवी आई थी, तो उस मूवी में भी यही सिंबलाइज किया गया था। जो टॉयलेट की मेन लीड थी उनका ये कहना था कि भैया हमें टॉयलेट चाहिए, ठीक है, हमें टॉयलेट चाहिए, नहीं तो हम जो है वो अपना पति का घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जो उस गांव की जो फेलो वुमेन थी उनका ये कहना था कि उन्हें ओपन डेफिकेशन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उल्टा इनफैक्ट वो जो टॉयलेट की डिमांड कर रही है उनका ये कहना था कि ये गलत है। ठीक है, तो औरत ही औरत का दुख नहीं समझ रही, औरत ही औरत की प्रॉब्लम्स नहीं समझ रही, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को एंड करने के लिए, जो वुमेन अगेंस्ट वुमेन है उसको एंड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने आई एम दैट वुमेन जो है कैंपेन जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, दो द कैंप थ्रू द कैंपेन द मिनिस्ट्री सीक्स टू हाईलाइट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन स्टैंडिंग बाय एंड फॉर वुमेन। मिनिस्ट्री ऑफ WCD has urged people to shun stereotypes associated with women harming other women. ठीक है, अब ये स्टीरियोटाइप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा हो गया कि भाई औरतें तो एक औरत दूसरी औरत को नुकसान पहुँचाती है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। ट्विटर एंड फेसबुक यूजर्स हैव बीन इनकरेज टू टैग एंड शेयर स्टोरीज ऑफ वुमेन हेल्पिंग वुमेन विद अ फोटोग्राफ एंड पोस्ट ऑनलाइन विद द हैशटैग आई एम दैट वुमेन। ठीक है, अगर कोई औरत दूसरी औरत की मदद कर रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उनको कहा गया है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट और अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको शेयर कीजिए विद हैशटैग आई एम दैट वुमेन। मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती मेनका संजय गांधी सेड, व्हेन अ वुमेन हैज़ द सपोर्ट ऑफ अदर वुमेन हेड शी कैन बी अनस्टॉपेबल। Through this campaign, we aim to shed light on enormous contribution made by women for women. A mother-in-law can be her daughter-in-law best companion. It is a time we did away with in-law in daughter-in-law. कि हम daughter-in-law में से in-law को हटा दें और वो सिर्फ daughter रह जाए। ठीक है, बहू नहीं बेटी बनाना चाहते हैं। A woman manager can easily empathize with her female juniors and help her climb the ladder of success. तो आप ये देख रहे हैं ना कि वुमेन को कैसे सपोर्ट करना है और उसको कैसे हमें शो करना है कि हाँ वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, उसके लिए ये जो है कैंपेन मेनली बनाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं गुजरात रियोच डिनाइड क्रॉप इंश्योरेंस। तो इसको आप एक तरह की केस स्टडी कह सकते हैं, जो पिछले साल सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो लॉन्च की थी, फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो NDA गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, गुजरात में जो काफ़ी सारे जो रियोच हैं उनको उनका क्रॉप इंश्योरेंस जो उनको एंटाइटल थे जिस क्रॉप इंश्योरेंस के लिए वो उनको नहीं मिला है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई, गुजरात में सौराष्ट्र वाले रीजन में काफ़ी जगहों पर ड्रॉट आया, ड्रॉट की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई। अब जो उनकी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो ड्रॉट के अंदर अगर लॉस होता है तो उसको भी कवर करते हैं, तो लीगली वो एंटाइटल्ड हैं इंश्योरेंस के लिए, लेकिन उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, नॉन पेमेंट
और पार्शियल पेमेंट, या तो पेमेंट हो ही नहीं रहा है या पेमेंट जो हो रहा है वो भी सिर्फ आधा हो रहा है, ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स इन गुजरात डिस्पाइट द स्टेट हैविंग कलेक्टेड हाई प्रीमियम्स. जबकि स्टेट्स में हाई प्रीमियम्स कलेक्ट किए हैं, स्टेट्स में फार्मर्स ने इस स्कीम को अपनाया, इस स्कीम के लिए सब्सक्राइब किया फसल बीमा योजना के लिए और अपना प्रीमियम पे किया जितना उन्हें पे करना था, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेट ने हाई प्रीमियम कलेक्ट किया. फिर भी जो इंश्योरेंस का जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए था फार्मर्स को, वो उन्हें नहीं मिला है. इन सौराष्ट्र, द्वारका, जामनगर, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, देयर हैव बीन थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ नॉन पेमेंट्स ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस लास्ट ईयर. ठीक है, ह्यूज डिले इन स्टार्टिंग द प्रोसेस फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड सेटलिंग देम. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है उसको फाइल करने में और क्लेम को सेटल करने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है. तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की थी, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना. तो ये सारा वही प्रॉब्लम अभी यहाँ पर आ रही है. तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आप सजेशन दे सकते हैं कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फार्मर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फॉर्म्स फिलअप करने में. ठीक है, एक फार्मर पहले से ही परेशान है अगर उसकी ड्रॉप में क्रॉप लॉस हो गया है, और अगर हम फर्दर उसका इंश्योरेंस का पैसा डिले कर देंगे तो वो फर्दर स्ट्रेस में जा सकता है और सुसाइड में भी कन्वर्ट हो सकती है ये चीज़. तो अगर सुसाइड अटैम्प्ट जो इंक्रीजिंग एक फिनोमेना बन चुका है इंडिया में जो फार्मर सुसाइड का, उसको ख़त्म करना है तो ये चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट देख लेते हैं, US बैक्ड रेस्ट राका फ्रॉम IS. तो राका आपका ये एक सीरिया में एक जगह है, ठीक है दोस्तों, राका एक सीरिया में जगह है आपकी. तो यहाँ पर से IS की जो फोर्सेस थी जिन्होंने कब्ज़ा ले रखा था राका का, उसको अब जो US बैक्ड फोर्सेस हैं और सीरिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ से खदेड़ बाहर निकाला है. ठीक है, इनसाइड राका जो IS फाइटर्स फ्रॉम कुर्दिश अरब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज सेलिब्रेटेड एंड रेज देयर येलो फ्लैग इन सिटीज अल नेम ट्रैफिक सर्कल विच बिकेम नोन एज हेल राउंड अबाउट आफ्टर इट वॉज यूज फॉर ग्रूसम पब्लिक एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो वहाँ पर अब इन्होंने अपना जो US फोर्सेज और जो कुर्दिश फोर्सेज हैं जिन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़कर ये IS के जो टेररिस्ट थे उनको बाहर निकाल दिया, तो वहाँ पर एक फेमस ट्रैफिक स्क्वायर है एल नेम जिसको यूज़ करती थी IS फॉर पब्लििक एग्जीक्यूशन और उसका नाम पड़ गया था हेल राउंड अबाउट. तो वहाँ पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ कर अपनी जो जीत थी उसको दर्ज किया. ठीक है, फॉलोइंग द विक्ट्री ऑफ US बैक्ड फोर्सेज इन राका द ओनली पॉपुलेटेड एरियाज द इस्लामिक स्टेट स्टिल कंट्रोल्स इन सीरिया आर द टाउन्स एंड विलेज डाउन स्ट्रीम्स ऑफ देयर अलजोर सिटी अलॉन्ग द यूफ्रेट्स वैली. ठीक है, अब ज़्यादातर सीरिया में से हर जगह से IS को बाहर खदेड़ दिया गया है, उनकी फोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है, बस थोड़े से एरिया में वो हैं और वो आपका जो एरिया है वो है ये देयर अलजोर सिटी वाला, इसको भी थोड़े टाइम में जो है वो फोर्सेज क्लेम कर रही हैं कि हम खाली करा लेंगे. द IS हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स टेरिटरी इन सीरिया एंड इराक दिस ईयर इंक्लूडिंग द मोस्ट प्राइस पोजेशन मौसूल. हमने अभी पहले पिछले कुछ दिनों में देखा था कि मौसूल जो है वो इराकी फोर्सेज ने IS से जीत लिया था. द SDF, ठीक है, जो आपकी ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, इनका ये कहना है कि जब अब ये बैटल ख़त्म हो गया है तो ये कंट्रोल अपने पास नहीं रखेंगे, इनका कोई इरादा नहीं है फोर्सेज का कि वो वहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट बनाए. तो इनका ये कहना है कि हम ये एक सिविल काउंसिल जो बनी हुई है उसको ये सारे जो हमने एरिया ऑक्यूपाई किया है इसको अच्छे से चेक करने के बाद उनके हाथ में दे देंगे और वो ही इस टेरिटरी का जैसे जो रनिंग करनी है वो सब इसमें देखेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट जाए सेट टू कंसोलिडेट अथॉरिटी. अभी सेट टू कंसोलिडेट अथॉरिटी क्योंकि अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी सिर्फ होना है, इनकी मीटिंग्स होनी है जो अभी, ठीक है, अक्टूबर 18 से शुरू होगा, ठीक है, आज से शुरू होगा. तो इसमें मेनली आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है आपका जो चाइना में कोई हेड कैसे बनता है. अब जैसे ये आपके जाई जिनपिंग है, ठीक है, प्रेजिडेंट है, तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं. ठीक है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर, सिंगल पार्टी रूल है चाइना में. ठीक है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी पूरी जो पार्टी है वो सिलेक्ट करती है कुछ 2300 मेंबर नेशनल पार्टी कांग्रेस. ठीक है, 2300 लोगों को एक नेशनल पार्टी कांग्रेस में सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है, फिर वो नेशनल पार्टी कांग्रेस जो है अपने अंदर से उन 2300 लोगों में से कुछ 400 लोगों को सिलेक्ट करती है जिसको कहा जाता है सेंट्रल कमेटी. ठीक है, सबसे पहले पूरी जो आपकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी की जो मेंबरशिप है कुछ लाखों कुछ मिलियन 60-70 मिलियन कुछ है उसमें से कुछ 2300 लोगों को सिलेक्ट करती है और वो बनती है आपकी नेशनल पार्टी कांग्रेस. ठीक है, फिर वो नेशनल पार्टी कांग्रेस अपने 2300 में से 400 लोग उठाती है जो आपकी होती है सेंट्रल कमेटी. ठीक है, फिर जो सेंट्रल कमेटी होती है वो सेंट्रल कमेटी अप्रूव्स द 20-25 मेंबर पॉलिट ब्यूरो. ठीक है, एक पॉलिटी ब्यूरो जो है वो सिलेक्ट करती है सेंट्रल कमेटी जिसमें होते हैं 20-25 मेंबर. ठीक है, इट आल्सो चूजेस द 7 मेंबर
नियुक्ति ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, यही सेंट्रल कमेटी जिसमें आपके कुछ 400 मेंबर हैं, ये 7 मेंबर की एक स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको भी चूज करते हैं, ठीक है। तो अब सर्टेनिटी ये है कि जो जिनपिंग है वो रिटेन करेंगे, वो रिलेक्ट किए जाएंगे एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसके 89 मिलियन मेंबर्स हैं, अभी मैंने पीछे 60-70 मिलियन कहा था, तो ये 89 मिलियन मेंबर्स हैं इसके, उसके दोबारा से इनको चांसेस हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल बन जाए और फिर फर्दर प्रेसिडेंट बन जाए चाइना के, ठीक है। और ली क्विकेंग जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बन जाएँ। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम से डिस्कस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी डिस्कस किया जाएगा, तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम इसको बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ज़ाई में डिक्लाइन टू प्रमोट अ सक्सेसर, ठीक है। तो जो ज़ाई जिनपिंग है वो इस बार दोबारा सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद क्या पता फिर से अपना कोई सक्सेसर डिक्लेयर ना करें, अगर वो सक्सेसर डिक्लेयर कर देते हैं तो अगली बार वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन अगर वो सक्सेसर डिक्लेयर नहीं करते तो फर्दर अपनी दोबारा से अपॉर्चुनिटी जो है उनके पास रहेगी अवेलेबल कि वो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के लिए भी जब तक वो अपना सक्सेसर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इलेक्ट किए जा सकते हैं। ही वुड यूज़ द मीट टू राइट अ न्यू थॉट और थ्योरी इन टू द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू पार्टी ऑफिशियल्स। इफ हिज नेम अपियर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही विल ज्वाइन द लीग ऑफ माओ ज़ेडुंग एंड डेंग ज़ियाओपिंग, ठीक है। तो अब जो है ज़ाई जिनपिंग, उनकी कोशिश क्या रहेगी कि वो अपने नाम से जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं, उन्होंने एक तो जैसे ज़ाइस फॉर कॉम्प्रीहेंसिव एक उन्होंने थ्योरी दी है कि कॉम्प्रीहेंसिवली बिल्ड अ मॉडरेट प्रॉस्परस सोसाइटी, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिवली डीपन रिफॉर्म्स, कॉम्प्रीहेंसिवली गवर्न द नेशन, कॉम्प्रीहेंसिवली गवर्न द पार्टी स्ट्रिक्टली, एक उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। तो चाइना में क्या होता है, अगर ये थ्योरी किसी लीडर की कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी जाती है तो जिसकी वो थ्योरी है उसके साथ उसका नाम भी डाला जाएगा। तो पहले माओ ज़ेडुंग और डेंग ज़ियाओपिंग की ऐसी थ्योरीज जो हैं चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है, तो माओ अब चांसेस ये हैं कि ज़ाई जिनपिंग की भी जो थ्योरीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जाएँ और फिर वो उनको स्टैंडर्ड पे ले आएंगे, जो रिस्पेक्टेड लीडर्स रहे हैं चाइना के अभी तक माओ ज़ेडुंग और डेंग ज़ियाओपिंग, उन जैसे लीडर्स के साथ उनका भी नाम आ जाएगा। ज़ाई सिग्नेचर एंटी ग्राफ्ट कैंपेन हैज़ ensnared nearly 1.4 million party members, ठीक है। अपनी टर्म में जब शुरू हुई थी ये वाली टर्म, जब ज़ाई जिनपिंग की ख़त्म होने वाली है, तो इन्होंने वहाँ पर एक एंटी ग्राफ्ट कैंपेन शुरू किया था, एंटी करप्शन कैंपेन शुरू किया था, जिसकी वजह से कुछ 1.4 मिलियन जो लोग हैं वहाँ पर चाइना में, जो इस कांग्रेस के जो पार्ट हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेम्बर्स हैं, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खफा हैं, ठीक है। बाकी ये पॉसिबल स्टैंडिंग कमेटी के कैंडिडेट जो ये 7 लोग सिलेक्ट होने हैं वो ये हैं, तो ये अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा इसमें फंडा है जो इतने दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं GS3, अब मोर चेक पोस्ट्स टू कम अप ऑन बांग्लादेश बॉर्डर्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो होती हैं आपकी, जो दो कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनाई जाती हैं, तो ऐसी चेक पोस्ट बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर बनाए जाने की बात कर रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वॉज एनविसेज्ड इन 2007, अ सेपरेट बॉडी, एक अलग से बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे आपकी सी पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है ना, वैसे ही एक 2007 में बॉडी बना दी गई थी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2011 टू बूस्ट ट्रेड वाया द लैंड बॉर्डर पॉइंट्स, ठीक है। तो लैंड बॉर्डर से ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये अथॉरिटी बना दी गई थी। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि भैया हमने इसमें सारा खर्चा वर्चा निकाल के जो जितना आएगा, ठीक है, फाइनेंस कमेटी का, वो फाइनेंस कमेटी को सबमिट कर दिया है, कुछ 5,000 करोड़ का खर्चा है, एक बार ये जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है इसको अप्रूव कर दे तो हम इसको भेज देंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, और जैसे ही वो क्लियर कर देंगे तो हम इस पर काम शुरू कर देंगे। अब जो आपकी ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंड ICP हैज़ सेवरल फैसिलिटीज सच एज पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, ठीक है, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग होती है, इसमें करेंसी एक्सचेंज काउंटर होता है, इंटरनेट हब्स होते हैं, कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग्स होती हैं, कार्गो इंस्पेक्शन सेट्स, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, क्वारंटाइन लेबोरेटरीज, क्लियरिंग एजेंट्स, बैंक्स, व्हीकल स्कैनर्स, आइसोलेशन बे, पार्किंग एंड कैफेटेरिया। तो ट्रेड को जितना सब इजी करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी आपकी इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एरिया में बनाई जाती हैं। देर आर मेनी व्हीकल्स वेटिंग टू क्रॉस ओवर टू बांग्लादेश और वेटिंग टू एंटर इंडिया दैट आर स्टक फॉर ओवर 20 डेज ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम्स और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़। अभी क्या होता है, अगर इंडिया और बांग्लादेश को ट्रेड करना होता है तो गाड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने में कुछ 20-20 दिन लग जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लियरेंसेज नहीं मिलती कस्टम्स से। तो अगर ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन जाएंगी तो जो है ये टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा और वो ईजिली जो है क्रॉस कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग ICP, ऐसा नहीं है कि पहली बार ICPs बनाए जा रहे हैं, अभी भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनी हुई हैं काफ़ी जगहों पर, जैसे 5 ICPs बनी हुई हैं आपकी अटारी पंजाब में, ठीक है, ये आपका
पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, ठीक है, फिर पेट्रापोल है वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, अखौरा है त्रिपुरा में बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, रक्सौल इन बिहार ये नेपाल के साथ है आपका, ठीक है, जोगबानी इन बिहार ये भी नेपाल के साथ है, ये जो है पांच आपकी जो है अभी तक फंक्शनल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंटर टेकिंग स्टेप्स टू फॉर्मलाइज गोल्ड ट्रेड, ठीक है, तो अब से कुछ ऐसी न्यूज़ आई है, अनविलिंग कंट्रीज फर्स्ट कॉमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग इन प्रीशियस मेटल्स ऑन मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो मेन काम होता है, इट हेजेस ऑल रिस्क फॉर दोज डीलिंग इन गोल्ड, ठीक है, जो भी सोने में डील कर रहे होते हैं उनका जो रिस्क वगैरह कम करने के लिए ये सारा फंडा बनाया गया है, और ये इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट कॉमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग इन प्रीशियस मेटल ऑन मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंजेस, ठीक है, तो पहली बार गोल्ड को मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंजेस में ट्रेड किया जा रहा है कंट्री में। गोल्ड इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर आप यहाँ पे देखें, गोल्ड इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग दैट सेबी हैड परमिटेड ओवर मॉडर्न कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आफ्टर स्टार्टेड 14 ईयर्स अगो, ठीक है, तो सोने को पहली बार सेबी ने अलाउ किया है, पहली बार कोई अगर कॉमोडिटी ट्रेडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आ रहा है 14 साल पहले सेबी ने इसको शुरू करने की बात की थी, लेकिन तब से लेके अब तक कोई चीज़ इस पर ट्रेड नहीं की गई थी, कॉमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कोई चीज़ नहीं डाली गई थी, 14 साल बाद पहली बार कोई कॉमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में चीज़ डाली गई है, और वो है आपका सोना। अब ये ऑप्शंस होते क्या हैं, व्हाट आर ऑप्शंस, द ऑप्शंस गिव बायर्स द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट बट नो ऑब्लिगेशन एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट द एक्सपायरी, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप आज सौदा कर लेते हो कि भैया हम तुझसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये खरीदेंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप सोना खरीदो। फॉर एग्जांपल, ए ने बी से कहा, बी सेलर है और ए बायर है, ठीक है, बायर ने सेलर से कहा कि यार मैं तेरे से 20 दिन बाद 1 किलो सोना खरीदूंगा, आज ये रेट है, हम इस रेट पे खरीद लेंगे, ठीक है, 20 दिन बाद ए की मर्ज़ी है, वो खरीदे ना खरीदे, मना कर दे कि यार मेरे को नहीं खरीदना, मेरे को पड़ता नहीं है, खरीदना नहीं मेरे को, ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली जो बेसिक फंड होता है वो ये होता है, अगर आप दोबारा पढ़ें, द ऑप्शन गिव्स बायर द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट बट नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट दी एक्सपायरी, ठीक है, प्राइस स्पेसिफाइड रहता है एक्सपायरी पे कि भाई इस प्राइस पे लेंगे कि करंट प्राइस पे लेंगे, जो उस दिन जिस दिन पे डिसाइड किया गया कि हाँ भाई इस दिन मैं खरीदूंगा उस दिन के प्राइस पे लेंगे, या जिस दिन पे डील हुई है, जिस दिन पे सौदा हुआ है उस दिन के प्राइस पे लेंगे, वो डिसाइड हो जाता है इसमें पहले ही। दस फॉर बायर्स द रिस्क इज लिमिटेड ओनली टू द प्रीमियम पेड टू द ऑप्शन सेलर, ठीक है, अब आप किसी से ऐसे सौदा कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं तेरे से 15 दिन बाद खरीद लूँगा, तो वो भी बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है, आप 15 दिन बाद उससे नहीं खरीदोगे तो उसको तो फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, तो वो आपको कहेगा ठीक है यार मैं तेरे लिए 15 दिन तक ये आइटम रिजर्व कर लेता हूँ, मैं किसी और को नहीं बेचूंगा, लेकिन इसके लिए तेरे को मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर तूने 15 दिन बाद नहीं खरीदा तो मैं वो तेरे को प्रीमियम जो है वो रिफंड नहीं करूँगा, ठीक है, तो बायर उसको थोड़ा प्रीमियम दे देता है कि ऐसा कर, तो मैंने तेरे लिए तेरे पास 1 किलो सोना रिजर्व किया है, मैं तेरे को 100 ग्राम सोने का पैसा दे देता हूँ, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये एज अ प्रीमियम तो रख ले, और बाय सेलर उसको पहले ही बता देगा कि अगर तूने ना खरीदा तो मैं तेरे को 100 ग्राम का पैसा वापस रिफंड नहीं करूँगा, तो बायर को वो मानना पड़ता है। तो दोनों केसेज में इसका फ़ायदा बायर का ये हो गया कि अगर उसको पूरा 1 किलो सोना नहीं खरीदना है, अब उसको कोई उसकी नीड नहीं है या कोई भी रीज़न है, तो उसको पूरा जो उसका पैसा है वो नहीं देना पड़ेगा, और वो डील को फुलफिल करे या ना करे वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका गोल्ड कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बायर होता है वो अपना जो रिस्क है उसको हेज कर देता है, अगर गोल्ड प्राइस में कोई राइज होता है उस राइज को वो हेज कर देता है, कैसे, अ ज्वेलर वुड नॉट ओनली बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइस राइज बट ऑल्सो वुड बेनिफिट फ्रॉम फॉल इन गोल्ड प्राइसेस, ठीक है, अब क्या हुआ, आपने ये गोल्ड कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, गोल्ड कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें क्या होता है कि आप ये कहोगे कि भैया जो मेरे को प्राइस है, अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं तो नहीं खरीदूंगा, अगर प्राइस घट गया तो जो घटा हुआ प्राइस है मैं उस पर खरीद सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आज आपने डील कर रहे हो तो सोना लगा लो 25 रुपीज़ पर किलो है, ठीक है, आपने 20 दिन बाद आपका 20 दिन बाद का कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करना है, आपने 20 दिन बाद गोल्ड हो गया 30 रुपीज़ पर किलो, तो आप कहोगे यार मैं तो 30 रुपीज़ पर किलो में नहीं खरीदूंगा, मेरी डील 25 रुपीज़ पर किलो के टाइम पे हुई थी, या तो मैं 25 रुपीज़ पर किलो खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, ठीक है। सिमिलरली
आपको फिर 25 रुपीज़ में मिल जाएगा वो गोल्ड। सिमिलरली अगर आपका जो गोल्ड है वो आपने आज डील की 25 रुपीज़ पर किलो, कल को जब आपको डील वो फुलफ़िल करनी है आपकी तब वो हो गया 20 रुपीज़ पर किलो। तो ऐसा नहीं है कि आपने 25 रुपीज़ पर किलो में डील की थी तो आपको 25 रुपीज़ का ही ख़रीदना पड़ेगा। अब आपको वो जो गोल्ड मिलेगा वो 20 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि उसका जो प्राइस हो गया है वो कम हो गया। सिमिलरली बाय हेजिंग रिस्क ऑफ फॉल इन गोल्ड प्राइजेस यूजिंग अ गोल्ड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका एक होता है गोल्ड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अ ज्वेलर वुड नॉट ओनली बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइस फॉल बट वुड बेनिफिट फ्रॉम राइज इन गोल्ड प्राइसेज। सिमिलरली अब पहले ज्वेलर जो था वो किसी सोने वाले से खरीद ले रहा था, ठीक है, जहाँ से वो फिर सोना लेके ज्वेलरी बनाएगा। अब फर्दर ज्वेलर किसी से डील कर रहा है जिस केस में ज्वेलर सेलर बन जाता है, तो उसमें भी ये डील की जा सकती है। अब इस केस में फ़ायदा क्या होगा, अ ज्वेलर वुड नॉट ओनली बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइस फॉल, ठीक है, अगर प्राइस फॉल हो जाता है तो वो मना कर देगा कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया, मेरे को पड़ता नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, बट वुड बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, ठीक है, डील में उसने पहले से संधि की हुई है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो जो बढ़ा हुआ प्राइस है उस हिसाब से बेचूंगा, तो दोनों केसेस में उसको जो है वो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका गोल्ड को जो अब डाल दिया गया है कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर। उसके बाद जो न्यूज़ थी, सॉइश मोर थ्रेटेंड देन टाइगर्स से साइंटिस्ट, तो आपकी ये सॉइश जो है एक फिश है, ठीक है, द सॉइश इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है ना, देयर स्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज, इनका जो स्केलेटन होता है कार्टिलेज से बना होता है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू शार्क्स एंड हैव शार्क शेप बॉडी, शार्क शेप बॉडीज होती हैं एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लैट शार्क्स, इनको फ्लैट शार्क्स भी कहा जाता है। देयर आर ओनली 5 स्पीशीज ऑफ सॉशिस सॉफिश, ये इसकी 5 स्पीशीज़ हैं, ये देख लेना, ठीक है। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हेयर ऑन मंडे सेट द सॉफिश में बी मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया, ठीक है, तो ऐसा सेंट्रल मेराइन फिशरीज़ कह रही है कि भैया ये सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड फिश हो सकती है इंडिया में। एनेक्डोटल एविडेंस सजेस्टेड दे वर वंस कॉमन अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट, किसी टाइम में ये बहुत कॉमन होती थी इंडियन कोस्ट में, लेकिन अब क्या होती है, दिखती ही नहीं है, अब बहुत मुश्किल से दिखती है, कुछ इसको सिर्फ 10 बार देखा गया है पूरे एक 10 सालों में इसको सिर्फ 10 बार देखा गया फिशरमैन ने, और फिशरमैन जो है इसको काफ़ी एक सेक्रेड फिश जो है वो मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, GS1 में क्या था, नॉर्थ ईस्ट मानसून में सेट इन बाय अक्टूबर एंड, ठीक है, तो आपका साउथ वेस्ट मानसून का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, अब आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून आने का टाइम हो गया। अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून टू मेक अप द डेफिसिट दिस ईयर इन सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स, जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं जैसे आपकी तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, अगर उन्होंने कुछ डेफिसिट विटनेस किया था साउथ ईस्ट मानसून के टाइम पे, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से उस चीज़ को कवर अप कर लिया जाएगा, ठीक है। द विंटर मानसून इज लाइकली टू हैव अ डिलेड ऑनसेट अराउंड द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, डिलेड ऑनसेट की इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन नॉर्मल की एक्सपेक्टेशंस हैं। द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट रेनफॉल टू कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से आपके पूरे इंडिया में बारिश नहीं होती है, इन पर्टिकुलर एरियाज में है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आपका बारिश लेकर आता है। तमिलनाडु रिसीव्स नियरली 44 सेंटीमीटर ऑफ रेन ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून, तमिलनाडु की तो जो मेजर रेनफॉल होती है वही नॉर्थ ईस्ट मानसून में होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे जो तमिलनाडु है वो आपका रेन शेडो एरिया में आता है, तो इतनी मेजर रेनफॉल तमिलनाडु में नहीं हो पाती। अगर आपको 2014 के चेन्नई फ्लड्स का याद हो तो वो भी विंटर टाइम पर ही आए थे, क्योंकि तमिलनाडु में जो रेनफॉल फिनोमिना है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून फिनोमिना है, ठीक है। अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया लाइंग ओवर सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ बे ऑफ बंगाल इज लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन बाय वेडनेसडे, ठीक है, बाय वेडनेसडे, जो अभी वेडनेसडे है तब तक इसमें फुलफिल पूरा डिप्रेशन बन जाने की संभावना है, जिससे जो है रेन अच्छी होने की उम्मीद रहेगी। अब आपका जो नॉर्थ ईस्ट, जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है इसमें फंडा क्या होता है, देखिए साउथ वेस्ट मानसून आपका ऐसे जाता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून में आपकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, तो अरेबियन सी ब्रांच जो होती है वो आपकी ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है, और वो केरला में आपके इसीलिए रेनफॉल होती है, ठीक है, ऐसे जाकर केरला में आपके रेनफॉल हो जाती है और फिर वो फर्दर जो है ट्रेवर्स करती है नॉर्थ इंडिया की तरफ ऐसे, और एक होती है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपकी यहाँ से आती है यूँ एंटर करके और फिर वो जाती है गंगा बेसिन की तरफ, और
जो अरेबियन सी ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो आपका नियर गंगा बेसिन जो है वो मिलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, जो आपकी विंड्स होती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ठंडा होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा और कंपैरेटिवली क्या होगा, आपका जो समंदर है, जो सी है, उसमें आपका बनने शुरू हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। तो आपकी जो विंड ट्रैवल करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनने की वजह से ये विंड जो है मूव करनी शुरू हो जाएगी लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो जब ये विंड लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही होगी तो यहाँ पर तो लैंड है, यहाँ पे कोई मॉइस्चर कलेक्ट नहीं करेगी, तो इस एरिया में कोई रेनफॉल नहीं होगी। जब ये विंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास करेगी, बे ऑफ बंगाल से ऊपर से पास करने के बाद ये डाइवर्ट कर जाएगी तमिलनाडु की तरफ, और इस बे ऑफ बंगाल रीजन में ये जो विंड्स हैं, जो ये ड्राई विंड्स हैं, ये मॉइस्चर पिक करेंगी और फिर जब ये लैंड की तरफ जाएंगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और पुडुचेरी वाले एरिया की तरफ, तब ये मॉइस्चर यहाँ पर अपना छोड़ देंगी और यहाँ पर रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो है बेसिक फंडा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी पिछले एक साल से न्यूज़ में है, तो ठीक है, आपको लगता है ना कि करंट अफेयर सिर्फ एक साल का पढ़ना होता है, तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी का फिर से नाम आ गया, ठीक है। प्रेसिडेंट ने अभी जो है वो एड्रेस किया था बर्थ सैनिटरी कमेमोरेशन इवेंट, ठीक है। पिछले साल इनको 100 साल हो गए थे सितंबर में, तो वो पूरा साल ये सेलिब्रेट करने की बात की गई थी, तो इस साल के करंट अफेयर्स में भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले साल जब इनका बर्थ सैनिटरी था तो यूएन ने जो था एमएस सुब्बुलक्ष्मी के लिए एक स्टैंप रिलीज़ किया था। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। सुब्बुलक्ष्मी परफॉर्म्ड एट द यूएन 50 ईयर्स अगो, ठीक है, 50 साल पहले उन्होंने यूएन में परफॉर्म किया था, मेकिंग हर फर्स्ट इंडियन टू हैव द ऑनर, ठीक है। कर्नाटिक सिंगर थे और शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न। पहली बार किसी सिंगर को भारत रत्न अवार्ड जो मिला वो सुब्बुलक्ष्मी थे, ठीक है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रैमसन मैगेसे अवार्ड। आपका रैमसन मैगेसे अवार्ड जो फिलीपींस के प्रेजिडेंट थे, जो रैमसन मैगेसे, उनके नाम से जो अवार्ड दिया जाता है, तो वो पहली इंडियन म्यूजिशियन रही जिनको ये रैमसन मैगेसे अवार्ड मिला। और ये आपका जो रैमसन मैगेसे अवार्ड है, इसको कंसिडर किया जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर एक बेल आइकन होता है, तो उसको प्रेस कर देना, उससे क्या होगा आपको जो रेगुलरली है अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और ज़रूरी ये रहेगा कि आप जो प्रीलिम्स की जो क्विज क्वेश्चंस हैं वो उसको ज़रूर सॉल्व करें, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलता रहे। लास्ट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, दिवाली आ रही है, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि दिवाली आ रही है तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई ना करें, ठीक है, आप पढ़ाई छोड़ दें। आपको आईएएस ऑफिसर्स बनना है, आईपीएस ऑफिसर्स बनना है, तो आप देखिए कि जो ये ऑफिसर्स लोग होते हैं इनके लिए कोई दिवाली नहीं होती, कोई होली नहीं होती, और ये हमेशा रेडी रहते हैं टू सर्व देयर कंट्री। आप देखें, अगर एक आर्मी ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है, वो दिवाली के दिन भी घर नहीं जाते, वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो आप ठीक है, इन्जॉय करिए फेस्टिवल को, लेकिन इतना भी इन्जॉय मत कीजिए कि आप 10 दिन तक अपनी पढ़ाई ना करें। लिमिटेड लेवल पर आप इन्जॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल पूरी तरह से मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच।